वेलकम बैक टू माय चैनल अमीगोज रेसिपीज। सो आज दिवाली स्पेशल में हम बनाने जा रहे हैं सिंधी स्पेशल सेव की बर्फी। अरे साईं, जड़ी सिंधी इतने बीट हुआ तो बियो केर छो सिंधी सेव की बर्फी ठाए। मतलब मैं जब सिंधी लड़का यहाँ पर खड़ा हूँ तब कोई और क्यों आपको सेव की बर्फी सिखाए। आइए मैं आपको आज सिखाऊंगा सिंधी सेव की बर्फी। आज हम बना रहे हैं सिंगर की मिठाई, उसमें पहला इंग्रेडिएंट होगा हमारा सेव। अगर आप देखें ये सेव और जो मार्केट में दूसरा सेव मिलता है इसमें फर्क है। ये है पतला सेव जो साधारणतः हम लोग जाके बाजार से ले आते हैं जिसमें नमक होता है या बाकी मसाले भी होते हैं, और ये है सेव की मिठाई वाला सेव जो थोड़ा मोटा होता है और बिल्कुल फीका होता है। ये वैसे मिलता नहीं है बाजार में, ऑर्डर देकर बनाना पड़ता है। अब ये ध्यान रखिए, आप जहां भी ऑर्डर देकर बनाएं वहां पर ये उनको जरूर कहना कि फ्रेश तेल में फ्राई करें, नहीं तो अगर कुछ और उस तेल में पहले तल चुका है जिसमें नमक या मिर्ची या बाकी फ्लेवर्स हैं वो इस सेव में आ जाएगा और आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। हम लोग यूज करेंगे आधा किलो सेव, आधा लीटर दूध, पाव किलो मावा, 400 ग्राम शुगर, और हम लोग यूज करेंगे 1 टीस्पून घी, 1 टीस्पून रोज वाटर, 3 छोटी इलायची पिसी हुई, 1 बड़ी इलायची पिसी हुई, गार्निशिंग के लिए बादाम लंबे लंबे कटे हुए और पिस्ता ये भी लंबे कटे हुए। तो हम पहले गैस ऑन करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून घी, और घी में डालेंगे 2 पिंच छोटी पिसी हुई इलायची। ये जैसे गर्म हो रहा है हम इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क ना यूज करें। अगर आप वो करेंगे तो मिठाई बहुत घाटी हो जाएगी और मुलायम स्वाद नहीं आएगा मुंह में। तो मार्केट में जो सिंगल टोन मिल्क मिलता है आप उसे यूज कीजिए। अब आप देखेंगे दूध बॉयल पे आया है। अब हम इसमें 400 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद आपको तुरंत चीनी को मिलाना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं और पूरी तरह घुल जाए दूध में। एक बार आपको लगे कि पूरा शुगर मेल्ट हो गया है, दूध में मिल गया है, तब आप मिलाना रोक सकते हो। अब हम लोग वेट करेंगे दूध के एक और बॉयल आने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं दूध अभी दूसरे बॉयल पर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पाव किलो मावा। धीरे धीरे मावा डालें ताकि उड़े नहीं, आप पर गर्म चीटे गिरेंगी तो जलन होगा। तो मावा डाल के मावे को हम लोग दूध में मिलाएंगे, और मिलाते मिलाते आपको ये देखना है कि मावा पूरा पिघल जाए और इसकी काटे काटे ना रहे, पूरा मेल्ट होना चाहिए मावा। तो जो जो बड़े बड़े चंक्स आपको मावे के दिखे आप उन्हें ऐसे दबा के, और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो और अगर ऐसा काट दिखे तो आप ऐसे साइड से आप उसको प्रेस करके उसको मेल्ट कर सकते हो। अब जैसे आप देखेंगे मावा पूरा दूध में मिल गया है, कहीं भी थोड़ा भी काट नहीं है। और अब जैसे ही दूध फाइनल बॉइल पर आए अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 पिंच बड़ी इलायची का पाउडर, ये बेसिकली सुगंध और थोड़े फ्लेवर के लिए, और 1 टीस्पून रोज वाटर ये भी सुगंध के लिए। इसे मिला के हम लोग अब इसमें सेव डालेंगे। सेव डालने के इमीडिएटली बाद गैस को सिम कर देंगे। इसको बस मिला के इतना देखना है कि पूरी सेव दूध में मिल गई है। और इमीडिएटली गैस ऑफ कर देंगे। इसको हम घी से ग्रीस करेंगे। इतना ध्यान रखें कि पूरे प्लेट में बराबर साइड में बीच में हर जगह ग्रीस हो, तो बाद में आप जब मिठाई निकालोगे नीट से निकलेगी। अब हम लोग इसे सेटिंग प्लेट में डालना शुरू करेंगे। ये जो दूध दिख रहा है इसे आपको बराबर हर जगह स्प्रेड करना है ताकि बहुत गीला भी ना हो और बहुत सूखा भी ना हो मिठाई, क्योंकि जैसे जैसे अब मिठाई ठंडा होगा
वैसे वैसे दूध भी कम हो जाएगा और वो पूरा फ्लेवर सेव में छोड़ जाएगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं हमारे थाली में अब मिठाई सेट हो गया है, थोड़ा एक बादाम के कटे हुए पीसेस के साथ, आप जितना चाहें, और पिस्ता के साथ गार्निश करेंगे। आप अपने हिसाब से या कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। और ये रेडी है सेव बर्फी। So, amigos, आप सब ये सिंधी सेव की बर्फी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए और अगर आप और सिंधी डिशेस सीखना चाहें तो Then hit that like button, share it with your friends and family, give your feedback in the comment section and do subscribe to our channel. Thank you. सबिन खे डियारी जी लख लख वदायूं, which means happy Diwali. Bye. Bye.